नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी लेकर आए हैं जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी सी आज हम रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे चने और पापड़ी से ये सैलड और चाट बनाएंगे जो बहुत बढ़िया और टेस्टी बनता है। चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ ली है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सा ये सैलड या चाट बनेगी। इस टेस्टी से सैलड चाट को बनाने के लिए हमने ये दही लिया है, अच्छे तरीके से फेंट कर दही ले लिया है। थोड़े से हमने नमकीन सेव ले ली है। ये हमने वाइट चने लिए हैं, एक बॉल उबले हुए, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा हमने ये मसाला तैयार किया है, इसमें हमने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। ये हमारे पास ग्रीन चटनी है और साथ ही हमने ये रेड चटनी, खट्टी मीठी चटनी ले ली है चाट को बनाने के लिए। एक हमने ग्रीन शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई ली है, एक बॉयल आलू है जिसको हमने इसी तरीके से क्यूब्स में काट लिया है, एक बड़े साइज का टमाटर इसको भी हमने काट कर ले लिया है, एक प्याज जिसको हमने इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है, और तीन हरी मिर्च इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई। चलिए अब हम जल्दी से चाट बनाना शुरू करते हैं। चाट को बनाने के लिए हमने ये बोल ले ली है, इसके अंदर सबसे पहले हम उबले हुए चने डालेंगे। थोड़े चने हम बचा कर रख लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, हम थोड़े चने ऊपर डालेंगे। अब हम इस चने के अंदर जो हमने प्याज लिए हैं वो भी इसके अंदर डाल देंगे। सभी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी बचा के रख लेंगे ताकि हम ऊपर से भी इसको डाल सकें। हमने थोड़े प्याज बचा के रख लिए हैं, हमने हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल दी है, टमाटर भी इसके अंदर डाल दिया है, आलू डाल देंगे इसके अंदर, ग्रीन शिमला मिर्च भी डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला तैयार किया था आधा चम्मच वो डाल देंगे, और एक चौथाई चम्मच हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे। साथ ही हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमें इसको बढ़िया से पहले मिक्स कर लेना है। हमने अच्छे से इसको बढ़िया से सारी चीज़ों को मिला लिया है ताकि सारे मसाले आपस में सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएं। इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर दही डाल देंगे, जो हमने फेंट के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। हमने इसके ऊपर अच्छे से दही डाल दिया है, जे अपने आप ही सारा दही जो नीचे चला जाएगा सारी चीज़ों में हो जाएगा ऐसे ही। अब हम इसके ऊपर पापड़ी डालेंगे। हमने पापड़ी को इस तरीके से क्रश करके ऊपर डालना है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, जो पापड़ी का लिंक आप देख सकते हैं, हमने इसकी रेसिपी पहले ही डाल दी है। पापड़ी को हम अच्छे तरीके से हाथों से क्रश करके ऊपर डाल देंगे। दही के ऊपर हमने पापड़ी को डाल दिया है, ऊपर से हम खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, साथ ही हम ग्रीन वाली भी चटनी डाल देंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी चाट, जाके आप इसको सैलड भी कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लगता है ये सैलड। अब हम इसके ऊपर जो हमने बचा के सब्जियाँ रखी थी वो थोड़ी थोड़ी डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, जैसे कि हमने ग्रीन शिमला मिर्च थी वो भी डाल देंगे, आलू भी डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे ऊपर से, जिससे हमारी चाट और भी बढ़िया और टेस्टी लगे। साथ ही हम इसके ऊपर नमकीन सेब डाल देंगे, जो देखने में तो बढ़िया लगेंगे ही और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ी हम इसके ऊपर पापड़ी भी डालेंगे, क्रश की हुई छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसके ऊपर पापड़ी डाल दी है। थोड़ा सा हमने ऊपर से मसाला जो बनाया था वो भी ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम हरा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा दही और डालेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, थोड़ी हरी चटनी, थोड़ी रेड चटनी ऊपर से और डालेंगे तो कि देखने में बहुत बढ़िया लगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सी चाट बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इस चाट सैलड रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है।
अगर जे आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको जो मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।